वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं वीके शर्मा और आप देख रहे हैं जीएन न्यूज़। जीएन न्यूज़ की जो खबरें होती हैं लगातार समाज के साथ जुड़ी होती हैं, और आज की जो खबर है, बीती रात द्वारका मोड़ के पास एक ऐसा स्थान है जहां पर पेट्रोलियम की चोरी हो रही थी। ये चोरी आज से नहीं होती बल्कि काफ़ी लंबे समय से हो रही थी। जब इसको इस बात का पता लगा तो स्थानीय पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई, और साथ साथ जिसकी पाइपलाइन थी मिलिट्री की जो पाइपलाइन है जो मथुरा से आती है और जलंधर तक जाती है, इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, उस पाइपलाइन में से तेल की चोरी हो रही थी और बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही थी। और जब पुलिस ने बीती रात को 9:30 बजे की जो कॉल थी उसके बाद यहाँ छापा मारा तो पता लगा कि ये बाकायदा चोरी जारी है। इसके लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, जुबेर नाम के इस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने उसकी पुष्टि कर दी है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिस मकान में ये कारोबार चल रहा था, चोरी का धंधा चल रहा था, वो बलवान नाम के किसी व्यक्ति का। आप देख सकते हैं इस समय मिलिट्री की पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई चल रही है, और यहाँ पर जो टेंट लगाकर चारों तरफ से वो जांच की जा रही है कि कौन सा ऐसा रास्ता था, कौन सा जरिया था, किस तरीके से चोरी की जा रही थी। यहाँ पर जो भी मशीन भी लगी हुई है और वो बाकायदा खुदाई करके देख रही है कि कहाँ से कहाँ तक पाइपलाइन को तोड़ा गया है। इस मामले में जुबेर नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी के अलावा और कौन कौन से लोग लिप्त हैं, इस बारे में पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए। और देखने वाली बात यह है कि ये द्वारका मोड़ के पास मेन रोड है जो द्वारका क्षेत्र में सड़क जाती है, इस मुख्य मार्ग पर किस तरीके से ये काम को अंजाम दिया गया, ये पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पुलिस यह जांच अपनी तरफ जारी है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो इस चोरी के बारे में कुछ जानते हैं, वो अपना नाम बताइएगा। मुकेश जी, जिस तरह से यहाँ पर मेन रोड पर खुले में तेल की चोरी का कारोबार चल रहा था, हालांकि काफ़ी दिनों बाद इसके बारे में पता लगा, तो आखिर ये क्या है सारा मजा? देखिए, अभी ये 3-4 महीने से उन्होंने रेंट पे लिया था और ये बम्पर की कटिंग करते थे यहाँ छोटे पीस के लिए, जब कहते थे कटिंग करके हम इसको बेचते हैं और जो प्लास्टिक दाना बनता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये हफ्ते में 1-2 दिन काम करते थे, बाकी ये बंद ही रहता था। रात को टेम्पू आते थे, दिन में आके खड़े हो गए, 2 दिनों तक हम छत से देखते थे टेम्पू खड़े रहते थे। इन टेम्पू में सारे, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, वो सारे बम्पर ऊपर किए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जब पुलिस जांच की तब देख रहा था, ऊपर से दिख रहा था कि उसमें टैंक, वाटर टैंक वाइट कलर के, सफ़ेद टंकियाँ 3-3 रखी हुई है, 2-2 हज़ार लीटर की 3 टंकियाँ उसमें पाई गई हैं। और इसका पता लोगों को, और हमें जब पता लगा, जब हम टीवी देख रहे थे, एकदम से बड़ा ब्लास्ट हुआ बहुत जोर से, हम सोचे पता नहीं क्या, कोई बिल्डिंग गिर गई क्या। बाहर आके जैसे हमने पीछे देखा तो उस समय एकदम ब्लास्ट के हमें पता नहीं चला, लेकिन हमें नज़र मार रहे थे एकदम से प्लॉट। ये ब्लास्ट की जो आप बात कर रहे हैं, कितने बजे की घटना है? ये 9:15 बजे के आसपास की घटना है, और बीती रात को 9:15 बजे जैसे हमने बालकनी से ऊपर से देखा, प्लॉट में से 3 लड़के एक बार भागे, फिर 2 लड़के एक बार, 5 लड़के टोटल निकल के भागे। जिसका ये मकान है उसका नाम बलवान बताया जा रहा है? जी, मकान बलवान है, बलवान जी ने इसे रेंट पे दिया हुआ है, 3-4 महीने से इनको रेंट पे दिया है, उससे पहले खाली रहता था ये। और पुलिस इंक्वायरी नहीं कराई गई थी किराएदार के रूप में? नहीं, बलवान जी को कल जैसे पुलिस वाले कह रहे थे आपने इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई, तो बलवान जी इसके लिए माफ़ी मांग रहे थे, जी गलती हुई हमसे, उन्होंने कोई जाँच नहीं की इसके लिए। तो दर्शकों, आप जानते हैं कि जिस तरह से ये किराए पर मकान लिया गया और दिन में छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन रात को वो कार्रवाई होती, चोरी की कार्रवाई, तेल की चोरी की कार्रवाई, जो मिलिट्री क्षेत्र से आता है, यानी कि मथुरा से जलंधर की जो लाइन यहाँ से गुजरती है, उसमें चोरी का जो कारोबार है बीती रात को वो पकड़ा गया। और उसके बाद स्थानीय लोगों ने, जैसे कि हमारे साथ में हैं, उन्होंने बताया कि इन्होंने पुलिस को भी सूचना दी है इस बारे में और रात से कार्रवाई जारी है। एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है, जुबेर नाम का व्यक्ति, जुबेर है, जावेद है जो कि वो पुलिस ने, और वो बहका रहा था पुलिस आने तक, हम लोगों को कह रहा था यहाँ तो ब्लास्ट ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसने जो है सबूत छुपाने की कोशिश की। साहब, अपना नाम और अपने बारे में थोड़ी जानकारी बता दें। मेरा नाम मुकेश है, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ, और मेरा मकान पीछे की तरफ ही है। तो जो जुबेद है वो हमें बहका रहा था कि यहाँ पर कोई बम विस्फोट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सिलेंडर फट गया छोटा सा, उससे हुआ। लेकिन पुलिस आने तक हम वहीं खड़े रहे सभी यहाँ के निवासी, और वो उसकी बातों में नहीं आए, नहीं तो वो ये चाहता था कि यहाँ से किसी तरह करके टेम्पू निकाल के भाग जाए। अंदर JVC मशीन भी लगी हुई है, खुदाई करने का काम जारी है, और देखने की कोशिश है कि कहाँ तक का इसमें फैला हुआ है ये चोरी का कारोबार। जी, अंदर से जब तक पुलिस नहीं आई थी हम भी अंदर गए थे, हमने गड्ढे को देखा था, 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा था नीचे, और लगभग 2x3 का गड्ढा था, और वो ऊपर सोफे से कवर किया हुआ था। लेकिन जब हमें शक हुआ तो सोफे हटा के हमने देखा तो 10-12 फीट का बहुत गहरा था, और उसके अंदर लाइट भी गई हुई थी।
तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और पुलिस अपनी जांच कर रही है, साथ में मिलिट्री के जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए, बाकायदा पूरी जांच जा रही है। और देखने वाली बात यह है कि इस चोरी में कहां तक इसके पैर पसरे हुए हैं, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। बहरहाल जीएन न्यूज़ के लिए दिल्ली से वीके शर्मा।